जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, जय दुर्गे, शिव दुर्गे। मित्रों, आज से नवरात्रि का पर्व आरंभ हो रहा है। कलश स्थापना इत्यादि की जो भी विधि थी, जो मुहूर्त था, वो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, और आपको अगर अभी भी वो जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जहाँ पे रीड मोर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको वो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नवरात्रि से जुड़े हुए बहुत सारे आवश्यक लिंक पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। नवरात्रि से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी जरूरी आपको उसमें जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि ये नवरात्रि के 9 दिन और विजयदशमी का जो पर्व आएगा, दशहरे का दिन, तो कुल मिलाकर के ये जो 10 एपिसोड होंगे डेली राशिफल वाले, इसको हम लोग राशिफल दूसरे तरीके से करेंगे। हर दिन आपकी राशि के अनुसार आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, इन 9 दिनों में मैं आपको वो जानकारी दूंगा। तो अगर आप इन उपायों को देखते हैं और अपनी राशि अनुसार आप देवी की पूजा करते हैं तो आपको लाभ भी जल्दी मिलेगा और आपका कल्याण भी चुटकियों में होगा। उसका कारण यह है कि देखिए, आज के समय में लोगों के पास भागदौड़ भरी जिंदगी है। हर व्यक्ति काम पे जाना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि 2-5 मिनट की कोई विधि हो। दुर्गा सप्तशती बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन उसको पढ़ने का विधि विधान सबको नहीं मालूम, उसका जो क्लिष्ट मंत्र है उसका उच्चारण सबको नहीं मालूम, 3-4 घंटे बैठ के आप उसको कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सरल सरल से उपाय आपकी राशि के अनुसार पूरे नवरात्र में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। विजयदशमी पर मैं बताऊंगा कि आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में और अपने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करें। तो ये 10 दिन के एपिसोड आप मिस मत करिए, और इन उपायों को सिर्फ सुनिए मत, इनको प्रयोग में लाइए तो आपको फायदा मिलेगा, तब आपका कल्याण होगा। और आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि किसी भी तिथि, पर्व, त्योहार के कुछ समय पहले हमें जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो इसीलिए नवरात्र के 10 दिन पहले हम आपको ये एपिसोड सारे उपलब्ध करा देंगे। आप पूरे 10 दिन के दिन के हिसाब से प्रथम दिन, द्वितीय दिन किस तरीके से करना है आप देख लीजिए और उसका फायदा लीजिए। तो चलिए भाई, बात तो बहुत हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी करते हैं आज के पंचांग की। अंग्रेजी तारीख 21 सितंबर 2017, विक्रम संवत 2074, मास है आश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है शुक्ल और करण है भव। और व्रत पर्व की अगर त्योहार करते हैं बात करते हैं तो नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रही है, घट स्थापना की तिथि है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्रि में माँ की आराधना अपनी राशि अनुसार करनी चाहिए, वो कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है और आपका समय भी उसमें कम लगता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार आप अपनी राशि के अनुसार आज नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बात मेष राशि की। इस राशि के लोगों को स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। स्कंद माता करुणामयी है, जो वात्सल्यता का भाव रखती हैं, आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है हरा। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आपको महागौरी स्वरूप की आराधना विशेष फल प्रदान करेगी। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करके घर से निकलिए, फिर आप देखिए आपको कितना चमत्कार आज के दिन में दिखाई देता है।
ये पाठ आपके लिए कल्याणकारी होगा। अविवाहित कन्याओं को अगर आप महागौरी स्वरूप की आराधना करते हैं तो उत्तम वर की प्राप्ति हो सकती है। तो जो वृषभ राशि की अविवाहित कन्याएं हैं उनको भी महागौरी की आज विशेष पूजा करनी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है भूरा। बात मिथुन राशि की, मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में देवी यंत्र स्थापित करके ब्रह्मचारी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही तारा कवच का पाठ नवरात्रि के 9 दिन आप करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदाता व विद्या के अवरोध को दूर करने वाली देवी है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है लाल। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक लोगों को शैलपुत्री देवी की पूजा आराधना आज की तिथि में करनी चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्रनाम का आप पाठ करते हैं तो आप आज के दिन का और देवी की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवती की वरद मुद्रा जो है वो आपको अभय प्रदान अवश्य करेगी। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बात सिंह राशि की, सिंह राशि के लोगों को मां कुष्मांडा की साधना विशेष फल प्रदान करने वाली है। देवी दुर्गा के जो विभिन्न मंत्र हैं उनमें से किसी को भी जिसमें आपकी आस्था और निष्ठा हो, श्रद्धा हो, उनको चुन करके आप उनका जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी मां के हास्य मात्र से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। देवी बलि प्रिया है, अतः साधक नवरात्रि की चतुर्थी को असुरी प्रवृत्तियों यानी बुराइयों का बलिदान देवी के चरणों में निवेदित करें तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है पीला। अब बारी कन्या राशि की, कन्या राशि के लोगों को मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। मां लक्ष्मी के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं, ध्यान रखिएगा मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है और मंत्रों का प्रयोग लक्ष्मी जी के मंत्रों का करना है। आपको ज्ञान भी मिलेगा, विद्या का मार्ग जो पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही है बच्चों को वो भी दूर होगी और उसके साथ साथ धन आगमन में आपको लाभ मिलने लगेगा। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है गेरुआ। अब बात तुला राशि की, तुला राशि के लोगों को देवी महागौरी की पूजा आराधना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देवी काली की चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ आपको करना चाहिए। अविवाहित कन्याओं को आराधना करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है केसरिया। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक लोगों को स्कंद माता की उपासना श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर देवी दुर्गा के नवार्ण मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके निकलिए, 5-7 मिनट लगेगा, आपके दिन की साधना बहुत चमत्कारी रूप से पूरी होगी। शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है नारंगी। अब बात धनुराशि की, धनुराशि वाले जातक लोगों को मां चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। संबंधित मंत्रों का यथाविधि जाप करें, अनुष्ठान करें। घंट जो है, घंटा जिसे कहते हैं, वो प्रतीक है ब्रह्मनाद का, जो साधक के भय और विघ्नों को अपनी ध्वनि से समूल नष्ट कर देता है, यानी हमेशा उसके जड़ से उसे समाप्त कर देता है। तो इसलिए आपको इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, चंद्रघंटा स्वरूप की। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, मकर राशि के लोगों के लिए मां कालरात्रि की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नवार्ण मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोप, अग्नि भय इत्यादि से ये आपको सुरक्षित रखती हैं आजीवन। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है काला। अब बात कुंभ राशि की, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को कालरात्रि देवी की उपासना करनी चाहिए। आपको इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। देवी कवच का पाठ करें, अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोपों का शमन करती हैं मां कालरात्रि। तो आपके लिए कल्याणकारी स्वरूप होगा कालरात्रि का। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है नीला। अब बात मीन राशि की, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए मां चंद्रघंटा की उपासना आपको करनी चाहिए। हरिद्रा यानी हल्दी की माला से यथासंभव मां बगलामुखी के मंत्रों का आप जाप करें। घंटा उस ब्रह्मनाद का प्रतीक है जो साधक के भय और विघ्नों को दूर कर देता है। तो आपको इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है पीला। तो मित्रों, ये तो बात रही कि नवरात्रि के प्रथम दिन आप अपनी राशि अनुसार किस स्वरूप की पूजा आराधना करें,
किस मंत्र, किस स्त्रोत इत्यादि का जाप या पाठ करके आज की तिथि का आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें समय भी कम लगेगा और रंग भी चोखा होगा, यानी आपको अपनी साधना का 10 मिनट के अंदर ही फल पूरा मिलेगा। अब हो सकता है आपकी निष्ठा हो, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का ठान लें, आपने आज से पहले कभी किया ना हो, उसमें कोई विधि में गलती हो जाए, कोई उच्चारण में गलती हो जाए, तो उसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा करने से बचना चाहिए। इन चीजों का प्रयोग तभी करिए जब आपको जानकारी पूरी हो। लेकिन जो विधि मैंने बताई, दुर्गा चालीसा या मंत्र या ऐसा कोई स्त्रोत, वो बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा समय भी नहीं लगना है, वो चीजें हमारे आसपास उपलब्ध भी हैं, अभी पर्याप्त समय है, आप उन चीजों को प्रयोग में लेकर के अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं और इस साधना से आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, नवरात्रि के बाकी दिनों के लिए भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमारे इन वीडियोस को देखिए और इनको शेयर जरूर करिए। जिस तरीके से आपको ये निस्वार्थ भाव से निःशुल्क मिल रहे हैं, आप भी इनको देख के आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों का भी कल्याण हो। देवी या देवता का, धर्म आध्यात्म का जितना प्रचार प्रसार करेंगे, देवी देवता आपका उतना ज्यादा कल्याण करेंगे। तो आपको इसको सही चीजों को जरूर बढ़ाना चाहिए। हम लोग तो कितनी चीजें उल्टी सीधी व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं, फेसबुक पर शेयर करते रहते हैं, यूट्यूब पर करते रहते हैं, तो इसको अच्छी चीजों को भी देखिए और करिए। तो मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप वीडियोज देखते हैं, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छी, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होंगी, जिससे आपका कल्याण हो सकता है। तो माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय दुर्गे, शिव दुर्गे। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।